भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे अमेठी जिले के जामो ब्लॉक। जामो में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भानु प्रताप सिंह उर्फ भानु का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस और भाजपा पर निकाली भड़ास। जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं कर पाए हम उसी की मांग कर रहे हैं, किसानों को भत्ता, ऋण माफी, बिजली निःशुल्क, आकस्मिक दुर्घटना पर 1 करोड़ मुआवजा की मांग है। सभी पार्टियां चुनाव के समय किसानों को देवता कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस देवता को अपने पास ठीक उसी प्रकार नहीं आने देते जैसे उसे खुजली हुई हो। किसानों की हित के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो किसान क्रांति पार्टी देश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और हर प्रदेश में होने वाले चुनाव भी लड़ने को तैयार है। हम किसी दल के साथ नहीं है, हम सिर्फ सच्चाई के साथ है। जाति धर्म को लेकर लड़ने वाले लोगों को हम लोग भगाने का काम करेंगे। किसान भाइयों से निवेदन है, अगर हालात सुधारना है तो स्वच्छ छवि के नेता को चुने। हम लोगों रमेश बाबा के कहने पर ने 2014 से लड़ाई शुरू की थी और कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ भारत का जो संकल्प था उसको पूरा करने का काम किया है। मैंने देखी उनका भजन नहीं रहा, सही बन नहीं रहा, दोनों आज हमें जिसका दौरा किया गया है, क्या है पूरा कार्यक्रम? ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हूँ, ब्रज के ब्रज चंद पूजनी रमेश बाबा ने सारे संगठनों को जब अपने लालच में काम करते देखा तो 11 में भारतीय किसान यूनियन भानु ब्रज भानु के नाम पर बनाया था और मुझे बुला के उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और कहा था कि सारे देश के किसान मजदूर गरीब नौजवान जवान शिक्षक व्यापारी सारे लोगों की लड़ाई लड़ो, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। कांग्रेस से लड़ने भेजा था 11 में 12 में 13 में, जब कांग्रेस से नहीं मानी तो बाबा ने कहा था रमेश बाबा हैं, ब्रज के ब्रज संत हैं, प्रयागराज के ब्राह्मण हैं और वहाँ के राधा रानी के भक्त हैं। उन्होंने कहा था कि जाओ कह दो कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ। 14 में कह दिया मैंने, 14 में 19 में 17 में 22 में और 23 में भी समर्थन देते रहे। अब जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी उस बात को हम मांग रहे हैं, किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो जो किसान विरोधी नीतियों के कारण हुए हैं। दूसरी, किसान जब 60 साल पूरी कर ले काम करते करते खाद्यान्न पैदा करता है तब उसको जीवन यापन भत्ता दो 10,000 रुपये केंद्र सरकार से मांगे और उसके बाद यदि दुर्घटना में मर जाए किसान तो किसान एक साधारण बैलू का आदमी होता है जैसे हम, तो उसके 1 करोड़ रुपया दो। हमारे पुलिस के जवान हैं कानपुर में, आपने सुना होगा 8 शहीद हुए थे 8। हमने मुख्यमंत्री से कहा था हमारी मांग है 2-2 करोड़ रुपया दो, क्या नहीं हम 20 लाख दे रहे हैं। अरे 20 लाख से क्या होता है, 2-2 करोड़ की मांग है यदि जवान शहीद हो जाए पुलिस का, जो आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं उनको 2-2 करोड़ रुपया दो बाबजा और उनकी तनख्वाह को बढ़ाओ। क्यों? कि उनकी हमारे हिसाब से वेतन बहुत कम है। अगली, जो मीडिया है आप जैसे, हम चिल्ला बॉर्डर पर थे 26 जनवरी को, कुछ असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने की कोशिश की, वहाँ 525 पुलिसकर्मी घायल हुए। उस समय ही हमने मांग रखती थी पुलिस वालों को यदि ऐसा हो जाए तो इतना दिया जाए, और मीडिया कर्मी भी आए रिपोर्ट लेने, 110 वो घायल हो गए। तो मीडिया कर्मियों ने कहा कि हम लोग कहते हैं चौथा स्तंभ है, भारत का संविधान कहता है, भारत की संसद कहती है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ तो वैसे ही भग रहा है, मर रहा है, पिट रहा है। तो हमने प्रधानमंत्री से कहा कि चौथा स्तंभ मीडिया को संसद में पास कर दो कि यदि ये शहीद हो जाएगा, यदि ये मारा जाएगा तो इसको 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और जिनके बल पे हम तुम सब यहाँ जिंदे हैं वो है थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड CRPF, वो लगे रहते हैं। और पाकिस्तान हो, चीन हो, अमरीका हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मन हो, कोई हो, आने नहीं देते, झंकने नहीं देते भारत में, खुद मर जाते हैं लेकिन हमें आजाद रखते हैं। हम यहाँ संसद चलाते हैं,
सब प्रदेशों में विधानसभा चलाते हैं, नेता बनते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, उद्योगपति उद्योग चलाते हैं, हम किसान खेती करते हैं, व्यापार होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेठी में अभी कुछ ही दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं और अमेठी पूरे देश की एक हार्ड सीट मानी जाती है, तो आपके आने से तो खलबली मचना तय है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे हमारे आने से हम तुम्हें बता तो रहे थे, तुमने बीच में टोक दिया तुमने। हम कह रहे हैं कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमारा नाम है भानु, और भानु का पर्यायवाची सूर्य होता है, सूर्य सबको देखता है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन ईमानदारी से चल रहा है, और यदि वो सूर्य से टकराता है उसे जला के फेंक देता है। जय किसान। ये बात हमारी पूरी नहीं होगी मांगे तो किसान क्रांति दल पूरे भारत का लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, और मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो वहां लड़ेगा, और राजस्थान में होंगे तो वहां लड़ेगा, और जहां भी होंगे अब तहां चुनाव लड़ेगा। क्यों? कि हम 80% हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, और राजनीति धर्म के नाम पर और जात के नाम पर जो राजनेता राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति से आउट करेगा ये भानु। भानु अध्यक्ष जी, आप एनडीए के साथ हैं कि इंडिया के साथ हैं? इंडिया के साथ अकेले हैं भानु प्रताप से, अकेला सूर्य है भाई साहब, किसी की जरूरत नहीं है। तारे फारे इधर उधर रोड़ते रहेंगे, ऐसे घूमता है, सुबह आता है, फिर जाता है, फिर अमेरिका में पहुंचता है, और उसका किसी को उसको वो न थकता है न रुकता है न किसी से डरता है। एनडीए क्या होता है, हम काय गुज रहेंगे किसी के साथ? हम किसान 80% किसानों को कहेंगे, जवानों को कहेंगे कि यदि तुम्हें अपनी हालत सुधारनी है इस लोकतंत्र में, अपने आगे आने वाली पीढ़ी की हालत सुधारनी है, ईमानदार नेताओं को सत्ता सौंपो और बेईमानों को आउट करो राजनीति। जय जय श्री राधे। अध्यक्ष जी, किसानों की बात की जाए तो गर्मी भी पड़ रही है लेकिन उनके सिंचाई के लिए अधिक बिजली चुकानी पड़ती है, तो इस पर आपका क्या ऐसा है भैया जी? न तो किसान को बिजली मिल रही, न किसान का कर्जा माफ हो रहा, न किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही, लेकिन जब चुनाव होता है तब कहा जाता है अरे तुम किसान देवता हो, किसान भगवान हो, किसान अन्नदाता हो, तुम्हारा हम कर्जा माफ कर देंगे, आमदनी दोगुनी कर देंगे, तुमको 15-15 लाख रुपए भी दे देंगे, तुमको 4-4 भैंस दे देंगे, तुमको एक दूध पीने वाली भी दे देंगे, पिलाने वाली भी दे देंगे, और फिर जब जब चुनाव होके जीत जाते हैं तो खाज वाली कुतिया नहीं होती है, जिसके खाज हो जाती है उसको कोई अपने पास नहीं बिठाने देता कि साली खाज छोड़ जाएगी हमारे पास, तो फिर हम खाज के कुत्ता हो जाते हैं। जय जय श्री राम।